हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो वी आर स्टार्टिंग टुडे गुड विद मॉर्निंग अ सर। या गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर ऑल ऑफ यू। सो टुडे वी आर स्टार्टिंग विद अ टॉपिक ऑफ न्यूमेरिकल इन द टॉपिक ऑफ वेल्डिंग इन द स्टील स्ट्रक्चर। सो टुडे वी सी के जो डिजाइनिंग होती है वेल्डिंग मेंबर का, वो डिजाइन स्ट्रेंथ कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो एक न्यूमेरिकल के साथ देखते हैं इस चीज को कि कहा गया है कि अ टाई मेंबर इन अ ट्रस गर्डर इज 250 mm बाई 14 mm इन साइज। ठीक है, तो जो टाई मेंबर है वो ट्रस गर्डर का वो साइज दे दिया गया। इट इज वेल्डेड टू अ 10 mm थिक गसेट प्लेट। ये आपका गसेट प्लेट है, दिस इज द गसेट प्लेट, और ये जो प्लेट है, ये जो मेंबर है, इसको उसके साथ वेल्डिंग की जा रही है बाई अ फिलेट वेल्ड। द ओवरलैप ऑफ द मेंबर इज 300 mm, मतलब ये जो ओवरलैप हुआ है, ये जो क्वेश्चन है, ये 300 mm। एंड द वेल्ड साइज इज 6 mm। ये वेल्ड साइज आपको दे दिया गया है, हो सकता है कोई सवाल पे आपको नहीं दिया हुआ होगा, तो आपको वो प्लेट के थिकनेस से निकालना होगा कि मैक्सिमम और मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड क्या होता है, कि मिनिमम प्लेट ऑफ थिकनेस क्या है, उसके हिसाब से कितनी होनी चाहिए, बट इस सवाल में आपको दिया हुआ है। डिटरमाइन द डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ द ज्वाइंट इफ द वेल्डिंग इज डन एज शोन इन द फिगर। ठीक है, तो इस फिगर में इस तरह का जो दिया हुआ है आपका वेल्डिंग, तो इस केस में आपको क्या फाइंड आउट करने बोला है ना, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ द ज्वाइंट फ्रॉम द फिगर 6.3। व्हाट इज द इंक्रीज इन स्ट्रेंथ ऑफ द ज्वाइंट इफ वेल्डिंग इज डन ऑल अराउंड एज इन शॉप वेल्डिंग। हम लोग का दो तरह का वेल्डिंग होता है, एक होता है फील्ड वेल्डिंग और एक होता है शॉप वेल्डिंग। शॉप वेल्डिंग मतलब जो वर्कशॉप में आपको ये किया जा रहा है, और एक जो फील्ड पे आप कर रहे हो। दोनों में डिफरेंस क्या हो जाता है ना, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर की डिफरेंस हो जाता है, क्योंकि जब फील्ड वेल्डिंग की बात आती है वहां पे क्या था, एक्यूरेसी कम होती है, तो इसीलिए वहां पे आपका जो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर है वो बढ़ा के लेते हैं 1.5। और जब शॉप वेल्डिंग की बात करते हैं हम लोग, तो वहां पे हम लोग जो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर लेते हैं वो 1.25 लेते हैं। फाइव या तो आपको दो चीज कहा गया है कि एक तो आपको जो डायग्राम दिया हुआ है इसके हिसाब से आपको डिजाइन स्ट्रेंथ निकालना है वेल्डिंग का, और आपको कह दिया कि ऑल अराउंड अगर वेल्डिंग कर दी जाए तो आपका डिजाइन स्ट्रेंथ कितना होगा। ऑल अराउंड मतलब ये वाला भी पोर्शन जो है, अगर इसको भी वेल्डिंग कर दिया जाए चारों तरफ से, तो उसका डिजाइन स्ट्रेंथ क्या होगा। ठीक है, तो लेट अस सी। तो हम लोग का सवाल में जो दिया गया है कि 410 ग्रेड का स्टील है, Fe 410 ग्रेड ऑफ स्टील हम लोग यूज कर रहे हैं, और हमको पता है कि अगर 410 ग्रेड ऑफ स्टील होता है तो उसका जो अल्टीमेट स्ट्रेस होता है Fe, दैट इज 410 MPa, एंड जो उसका यील्ड स्ट्रेस होता है दैट इज 250 MPa, दैट वी नो वेरी वेल। एंड फॉर शॉप वेल्डिंग जैसे बात किया अभी, तो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर हो जाता है फॉर मटेरियल, दैट इज गामा MW इज 1.25। अगर ये फील्ड वेल्डिंग होता तो इस केस में गामा MW हो जाता है 1.5। तो जो डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड है, जो आपको कोड से फॉर्मूला मिल जाता है डायरेक्टली, जो IS 800-2007 का कोड है, यहाँ से ये बोल रहा है PDW इक्वल टू LW इंटू TT इंटू FU बाय √3 गामा MW। सो दिस इज द आपका वेल्डिंग स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे देखने वाली बात क्या क्या चीज है ना, LW। तो LW क्या है, L इज द लेंथ, W इज द वेल्डिंग, सो LW इज द लेंथ ऑफ वेल्डिंग। व्हाट इज द TT, दिस इज द थ्रोट थिकनेस, TT इज द थ्रोट थिकनेस, एंड FU इज अल्टीमेट स्ट्रेस, एंड गामा MW इज द पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। अभी गौर करने वाली जो बात है कि जो आपका लेंथ ऑफ वेल्डिंग है, ये आपको सीधा सीधा डायग्राम में देख के समझ आ रहा है। कैसे समझ आ रहा है लेंथ ऑफ वेल्डिंग ना, यहाँ पे ऊपर में यहाँ वेल्डिंग हुआ है 300 का, यहाँ पे नीचे भी हुआ होगा फिर 300 का, और इधर हुआ होगा 250 का। तो टोटल अगर हम जोड़ेंगे तो 300, 300, 600 और 250, मतलब 850 का। तो अगर हम बोलेंगे इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्डिंग दैट इज द LW, दिस इज 2 × 300 + 250, 2 × 300 + 250 दैट इज 850 mm। ठीक है, ये आपका लेंथ ऑफ वेल्डिंग होगी पहली बात। अब तो लेंथ ऑफ वेल्डिंग आपके पास आ गया। अब दूसरा चीज आपको चाहिए थ्रोट थिकनेस TT। अब थ्रोट थिकनेस TT इक्वल टू क्या होता है ना, K × S, K × S, पर K इज अ कांस्टेंट डिपेंडिंग अपॉन जिस एंगल पे वो आपका वेल्डिंग हो रहा है, वेल्डिंग का एंगल क्या है। तो अगर हम लोग IS का कोड पे पेज नंबर 78 खोलते हैं, पेज नंबर 78 पे एक टेबल दिया हुआ है, पेज नंबर 78 पे, डिपेंडिंग अपॉन द एंगल वट वुड बी द वैल्यू ऑफ द के। तो अगर के की वैल्यू 60 डिग्री से ले, अगर एंगल की वैल्यू 60 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में हो, जनरली हम लोग एज्यूम करते हैं जो एंगल होगा वो 45 डिग्री के बीच में होगा, कि हम लोग एज्यूम करते हैं कि जो द एंगल विल लाई बिटवीन द 45 डिग्री। सो इफ इट इज टेकन एज द 45 डिग्री, सो इट इज लाइज बिटवीन 60 to 90 डिग्री, वेयर द वैल्यू ऑफ के इज 0.7। के की वैल्यू तब हो जाती है 0.7। एंड व्हाट इज द एस, एस इज द साइज ऑफ वेल्डिंग, एस इज द साइज ऑफ वेल्डिंग, एंड साइज ऑफ वेल्डिंग आपको सवाल में दिया हुआ है वेल्ड साइज इज 6 mm।
तो हम लिख सकते हैं 0.7 इनटू 6 दैट इज इक्वल टू 4.2 एमएम इज द थ्रोट थिकनेस, दैट इज द थ्रोट थिकनेस। तो अगर इस सब चीज को मैं फॉर्मूला में रख दूं LW इनटू TT इनटू FU बाय अंडर रूट 3 गामा MW, तो लेंथ ऑफ वेल्डिंग दैट इज 850, आपने जो TT निकाला मतलब थ्रोट थिकनेस दैट इज 4.2, FU जो अल्टीमेट स्ट्रेस है वो 410, अंडर रूट 3 एंड गामा MW 1.25। तो ये अगर हम लोग कैलकुलेट कर देते हैं तो डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ द वेल्ड आ जाता है 676 किलोन्यूटन, 676 किलोन्यूटन। सो व्हेन द वेल्डिंग इज डन ऑल अराउंड, अब जो दूसरा केस है अगर वेल्डिंग को ऑल अराउंड कर दिया जाता है मतलब चारों तरफ से अगर इसको वेल्डिंग कर दी जाती है तो तब क्या होगा। तो अगर इसको ऑल अराउंड कर दिया जाए तो क्या होगा कि अगर आप देखोगे ऊपर मैं ऐसे डायग्राम यहां ड्रॉ कर देता हूं, ऐसे ये प्लेट था, यहाँ पे ये क्या था, ये आपका 300 mm का था, ये भी आपका 300 mm का था और ये आपका 250 mm का था और इधर वाला छोड़ा हुआ था। तो यहाँ पे भी अगर मैं वेल्डिंग कर दूं तो क्या आ जाएगा, इधर भी 250 आ जाएगा। सो जो चीज चेंज होगी वो आपकी लेंथ ऑफ वेल्डिंग चेंज होगी। तो लेंथ ऑफ वेल्डिंग अब टोटल के केस में जाएगा 300 प्लस 300 600 प्लस 250 प्लस 250 500, मतलब टोटल आ जाएगा आपका 1100 एमएम का। सो जब ऑल अराउंड होगा तो इफेक्टिव लेंथ ऑफ द वेल्ड LW1 दैट इज 2 इनटू 300 प्लस 250 दैट इज 1100 एमएम। एंड जो डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड है PDW इक्वल टू LW इनटू TT इनटू आपका FU बाय अंडर रूट 3 गामा MW, द फार्मूला विल बी सेम, फार्मूला में तो कोई चेंज नहीं होगा, बस आपका इफेक्टिव जो लेंथ है उसमें चेंज आ जाएगा। तो उस और जो थ्रोट थिकनेस होगी TT वो आपका K इंटू S होगा, TT इक्वल टू K इंटू S। अच्छा कोई बताएगा कि यह थ्रोट थिकनेस चेंज होगा कि नहीं होगा? नो सर, उतना ही रहेगा ना, उतना ही रहेगा। क्यों? क्योंकि एंगल पे कोई चेंज नहीं हो रहा है। एंगल सेम है, अगर सवाल में दिया होता कि कुछ डिफरेंट एंगल आपको यूज करना है तो उस एंगल के हिसाब से फिर हम लोग के की वैल्यू निकालते हैं। जब एंगल क्वेश्चन में गिवन नहीं है और कोर्ट में ये टेबल दिया हुआ है तो वहां से हम लोग एक एज्यूम कर ले रहे हैं जो एंगल विल बी लाई बिटवीन 60 to 90 degrees, हाँ तो एंगल विल बी ऑन 45 degrees। तो एंगल अगर 45 degrees होगा तो उसके केस में द के की वैल्यू कॉन्स्टेंट की वैल्यू 0.7 अराउंड। एंड साइज ऑफ वेल्डिंग, अगर साइज ऑफ वेल्डिंग के केस में भी अगर आप देखोगे, अगर आपको सवाल में नहीं दिया होता मान लो कि साइज ऑफ वेल्डिंग क्या है बट आपको गसेट प्लेट की थिकनेस दी हुई थी 10 mm, तो वहां से भी हम लोग उसका निकाल सकते हैं। आपको याद होगा कि अगर प्लेट की थिकनेस दी होती है तो मिनिमम प्लेट ऑफ थिकनेस 1.5 को माइनस करके हम लोग मिनिमम निकालते थे या प्लस करके उसका मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड कितना हो सकता है वो निकालते थे, बट इस सवाल में आपको डायरेक्टली दिया हुआ था। तो यहाँ पे फिर आपको सीधा ही जो लेंथ ऑफ वेल्ड है दैट इज 1100 mm, 4.2 इज आपका आपका जो ये है टीडी थ्रोट थिकनेस एंड इफ यू अल्टीमेट स्ट्रेस इज 400 अंडर रूट 3 इनटू 1.25 सो 874 किलोन्यूटन। तो ये आपका ओवरऑल अगर मैं चारों तरफ से वेल्डिंग करता तो इतना आता है। सो इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट, तो कितना इंक्रीज हुआ स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट पे ना 874.89, ये तो आपका ओवरऑल करने से आया। और अगर एक जो एक साइड को हम लोग छोड़ देते थे तब जो लेंथ ऑफ वेल्डिंग पर डिजाइन स्ट्रेंथ निकल गया था वो 676, तो ये जो इंक्रीज हुआ वो 198.84 किलोन्यूटन का यहाँ पे इंक्रीज हुआ। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछो। इज देयर एनी डाउट? नो सर। हाँ तो ये आपका सवाल था, यहाँ पे ये वेल्डिंग दिया हुआ था। ऐसे कोई भी प्लेट हो गसेट प्लेट के साथ जिस तरह का भी वेल्डिंग हो अगर आपको वहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट निकालना है तो फॉर्मूला में हमारे पास हमेशा वही एक फॉर्मूला काम आएगा दैट इज PDW इक्वल टू LW इनटू TT इनटू FU बाय अंडर रूट 3। द प्रॉब्लम वेयर इट लाइज कि जो TT थ्रोट थिकनेस होगी K इनटू S, अगर K की वैल्यू अगर एंगल की वैल्यू दी हुई है वहां से हम लोग K की वैल्यू लेंगे, अदरवाइज विल अज्यूम कि K की वैल्यू 45 degrees है उसके हिसाब से ये लेंगे। और साइज ऑफ वेल्डिंग अगर सवाल में दिया हुआ है तो ठीक है, अदरवाइज जो प्लेट की थिकनेस होती है वहां से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे कि साइज ऑफ वेल्डिंग मिनिमम कितनी देनी चाहिए।
और बाकी एफ यू और गामा एमडब्ल्यू, तो गामा एमडब्ल्यू में आपको एक चेक लगा मतलब ये देख लेना है कि शॉप वेल्डिंग मेंशन किया हुआ है या आपको फील्ड वेल्डिंग मेंशन किया हुआ है। अगर आपको सवाल में कुछ नहीं मेंशन किया हुआ है तो आप हम लोग वहाँ पे एज्यूम कर लेंगे कि ये शॉप वेल्डिंग है, मतलब वर्कशॉप में इसको वेल्ड किया गया है और उसकी जो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर होगी वो 1.25 होगी, ठीक है। और लेंथ ऑफ वेल्डिंग जो आपको दिया होगा वहाँ से आपको वो डायग्राम देख के आपको वहाँ से कैलकुलेट करनी होगी कि लेंथ ऑफ वेल्डिंग टोटल कितना है और कितना नहीं है। ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। Is there any doubt, any queries? You yes, can sir. Definitely ask me. No, sir. Okay. No, sir.